हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। 10 साल में सबसे कम हुआ निवेश, जीडीपी 10% ले जाने का वादा करके देश को 10 साल पीछे ले गए मोदी। नरेंद्र मोदी 2014 में इस देश की जीडीपी को डबल डिजिट का करने यानी 10% पर ले जाने और फिर से भारत को सोने की चिड़िया बनाने के वादे पर सत्ता में आए थे, लेकिन उनके कार्यकाल में जो देश के पास था वो भी ज्यादा दिख रहा है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के बुनियादी क्षेत्र यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में निवेश 10 साल में सबसे ज्यादा गिर गया है। ये बात भारत की एकमात्र सर्वप्रथम क्रेडिट रेटिंग एजेंसी क्रिविल ने अपनी एक रिपोर्ट में बताई है। क्रिसिल देश की जानी मानी रेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना 1987 में की गई थी। पहले इसे क्रेडिट रेटिंग इन्फॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। इसकी रेटिंग और रिपोर्ट निवेशकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक बुनियादी क्षेत्र में खर्च वर्ष 2008 से लेकर 2012 के दौरान रहे जीडीपी के 7% से फिसलकर वर्ष 2013 से 17 के दौरान 5.8% के करीब आ रही है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि निजी निवेश को तेजी से नहीं बढ़ाया गया तो इसमें और कमी आ सकती है। वर्ष 2013 से 2017 तक एक साल को निकाल दिया जाए तो मोदी सरकार का कार्यकाल ही बचता है, जहां वर्ष 2008 से 2012 मतलब यूपीए सरकार के कार्यकाल के दौरान जीडीपी का 7% हिस्सा बुनियादी क्षेत्र के निवेश पर खर्च हो रहा था, वहीं वर्ष 2013 से 2017 के दौरान ये निवेश जीडीपी का 5.8% का रह गया है। यही नहीं, 2018 तक आते आते हालात ऐसी हो गई है कि ये निवेश 10 साल के सबसे नीचे स्तर पर चला गया है। क्रिसिल रिपोर्ट के मुताबिक 2008 से सालाना जीडीपी का 37% हिस्सा बुनियादी क्षेत्र में जा रहा था, वहीं ये 2018 में घटकर 25% रह गया है। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।